हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अफ्रीका के लोगों का घर और उनके रहन सहन, और ये लोग क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, इनका घर कैसा है। आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, ये छोटा सा रोड है सिंगल आदमी के जाने के लिए। मैं अभी ऐसे जा रहा हूँ, आप लोग देखिए, इधर पूरा पेड़ उड़ है कसाबा का, और मुझे पूरा इधर पता रहा है, और इतना डेंजर इलाका है ये। रात में कोई इसको अगर पकड़ लेगा किसी को, तो पता ही नहीं चलेगा, दिन में ही नहीं पता चलेगा। देखिए कितना जंगल सा है, और बीच बीच में आने जाने का बना हुआ है। इधर से हम लोग जा रहे हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी इधर का घर कैसा है। मैं आपको बता दूँ तो इंडिया से बहुत ही ज़्यादा गरीब है, इंडिया से बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग है यहाँ पर। और इनका घर आप देखेंगे तो कहेंगे क्या ऐसा। इंडिया में पहले लगभग 20 साल 25 साल पहले ऐसा घर हुआ करता था, अभी तो इंडिया काफ़ी अच्छा है। और तो कंपेयर किया जाए इंडिया से और अफ्रीका से, तो लाख गुना का फर्क है। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको यहाँ का घर। अभी हम आ चुके हैं बड़ा रोड पे, और अभी हम फाइनली आ चुके हैं और घर के पास में, और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे खेती किया गया है। पता नहीं ये क्या चीज़ का है, लौकी है कि क्या है। देखिए आप लोग, रहर का, ये रहर का पौधा है, और ये पता नहीं क्या चीज़ है, लौकी शायद लग रहा है। तो देखिए इसी रेगाटे कसावा पॉसिबल वर्ड पर ले ना, फिर मैं नहीं बाकुआ गांगे इन पर ले पार्टी। इधर में कसावा बन रहा है, पार्ले नो गुड, नो गुड। हाँ, देखिए दोस्तों, यहाँ का ये घर है, और इधर केला का भी पौधा है। इधर भी देखिए, यहाँ ये घर है, और इधर देखिए पूरा पूरा पलानी का घर है। इधर मुर्गी है ये। बोनसुआर, बोंजू, सवा सवा। देखिए यहाँ का बच्चा लोग पढ़ ले सवा भी ये भगत से ना सोने क्या। क्वा पढ़ ले पगले तो ड्राइवर मोटर। दोस्तों देखिए, इधर भी पलानी का घर है, चारों तरफ इधर पलानी का ही घर मिलेगा आपको। इसी वो इसी कुआ है, इसी कुआ कसावा। दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ का रहन सहन कैसा, एकदम गांव का जैसा है। कुआ पर ले इसी हटो काम डांस डांस डांस। नो बकू डांस। कर ले तू इसी पॉसिबल कसावा रे गाड़े।
कसबा इन्हें आया ना कोई फिल्म आया कुना पॉसिबल। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं आगा कसबा कितना मेहनत से बनाया जाता है खाने के लिए। तो ये आप लोग देख रहे हैं कसबा, ये कसबा पहले मैं एक वीडियो बनाया था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत है इसमें। ये पूरा वेस्ट मटेरियल है और ये अभी अच्छा से बना रहा है, काफ़ी स्मेल आ रहा है। ये मम्मा बंजी मम्मा। तो यहाँ का बस ये छोटा सा गांव है ताऊ ताऊ। तो अभी हम जा रहे हैं रोड पे भगुपाले। तो दोस्तों यहाँ का रहन सहन और घर आप लोग देख लिए होंगे, काफ़ी जो है कि गरीब है ये लोग और पूरा जंगल ही जंगल है। इधर भी मक्का का खेती है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ कुछ ये लोग खेती कर रहे हैं, जहाँ जैसा हो गया वैसा। देखिए फिर अभी मैं जा रहा हूँ अब रोड पे, तो चलता हूँ। तो दोस्तों आप लोग बताइए यहाँ के लोग कैसे लगे, यहाँ का घर कैसा है, काफ़ी डिफरेंट है इंडिया से। आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो आप लोग देखे हैं कसबा, यही कसबा है जो कि यहाँ का लोग खाते हैं और यही खाकर जीते हैं और कुछ नहीं है। काफ़ी मेहनत भी लगता है उसको बनाने में, बहुत ही ज़्यादा मेहनत होता है। आप लोग देखे होंगे मैं एक कसबा का वीडियो बनाया था, वो पूरा फल जैसा रहता है, फिर इसको ला कर लोग पीस कर गेहूँ के जैसा पीसता है, फिर इसको छानता है, फिर उसको उबाल करके बनाता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं। तो देखिए दोस्तों ये दुकान है, अभी हम रोड पे आ चुके हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।